हेलो एवरीवन, मैं हूं अजय गुप्ता, एक्स आईएएस ऑफिसर। मैं आप सभी का इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज में स्वागत करता हूं। बच्चों, जब भी हम किसी इंटरव्यू या वाइवा के अंदर बैठते हैं, तो एक बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि हम लोग वर्ल्ड वाइड जनरेशन के अंदर और ट्रांसमिशन के अंदर 3 फेज पावर को ही क्यों यूज़ करते हैं। वाई डू नॉट वी गो विद द सिंगल फेज पावर, 2 फेज पावर, 4 फेज पावर, 6 फेज पावर और एनी मल्टी फेज पावर। तो आइए हम इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करते हैं कि हम लोग वर्ल्ड वाइड 3 फेज पावर को ही क्यों यूज़ करते हैं। सबसे पहले, जब भी हम कोई सिस्टम बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल सिस्टम बनाते हैं, हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर 4 क्वालिटी होनी चाहिए। पहली क्वालिटी है, ये सिस्टम कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, यानी इस तरह के सिस्टम की बहुत ज़्यादा इनिशियल कॉस्ट नहीं होनी चाहिए, ये सिस्टम इकोनॉमिकल होना चाहिए। दूसरी क्वालिटी जो हमें चाहिए सिस्टम के लिए, वो है कि सिस्टम एफिशिएंट होना चाहिए। एफिशिएंट का मतलब है इस सिस्टम के अंदर बहुत हाई अमाउंट का पावर लॉसेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी सिस्टम में ज़्यादा पावर लॉसेज होगा, इसका मतलब वो सिस्टम की रनिंग कॉस्ट को इंक्रीज कर देता है। तीसरी क्वालिटी जो हमें सिस्टम के लिए चाहिए, वो सिस्टम सिंपल होना चाहिए, क्योंकि अगर सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, उसको समझने के लिए या उसमें फर्दर रिसर्च करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसकी डिज़ाइनिंग के अंदर हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और फोर्थ क्वालिटी जो हमें किसी भी सिस्टम में चाहिए, कि ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम हर तरह के इलेक्ट्रिकल लोड के लिए सूटेबल होना चाहिए, चाहे वो लाइटिंग लोड हो, चाहे वो हीटिंग लोड हो, चाहे वो मोटरिंग नेचर का लोड हो। तो हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जिसमें हर चारों क्वालिटी एग्जिस्ट करती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सिंगल फेज पावर अगर हम यूज़ करें या सिंगल फेज का सिस्टम बनाएं, तो उसके क्या एडवांटेज और उसका क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। तो पहला एडवांटेज सिंगल फेज सिस्टम का है कि ये सिस्टम बहुत सिंपल सिस्टम होता है, क्योंकि सिंगल फेज का ऑल्टरनेटर बहुत सिंपल होगा। सिंगल फेज की पावर को ट्रांसमिट करना भी बहुत आसान है, क्योंकि इसके लिए आपको खाली 2 कंडक्टर चाहिए। पहला है गो कंडक्टर और दूसरा है रिटर्न कंडक्टर। सिर्फ 2 कंडक्टर से हम लोग सिंगल फेज की पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। बट सिंगल फेज सिस्टम का या सिंगल फेज पावर का एक डिसएडवांटेज ये है कि जब आप किसी भी सिंगल फेज वाइंडिंग में सिंगल फेज की करंट को फ्लो करवाएंगे, तो वहाँ पर सिर्फ एक पल्सेटिंग नेचर का मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं डेवलप करता है। और किसी भी मोटर के अंदर अगर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं होता है, इसका मतलब वो मोटर सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं हो सकती। तो सिंगल फेज की मोटर सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं होती। इसका मतलब मैं सिंगल फेज की मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मैकेनिज्म करना होगा। नेक्स्ट आता है, अगर हम लोग सेम अमाउंट के पावर को ट्रांसमिट करें 3 फेज सिस्टम के अंदर या सिंगल फेज सिस्टम के अंदर, तो सिंगल फेज सिस्टम के अंदर पावर लॉसेज ज़्यादा होंगे, इसमें वोल्टेज ड्रॉप भी हाई मैग्नीट्यूड का होता है। तो कितना पावर लॉसेज होता है, ये मैं आपको एक मैथमेटिकल इक्वेशन से समझाता हूँ। सपोज करिए हमारे पास में 3 रजिस्टिव नेचर के लोड हैं। 3 लोड मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि अल्टीमेटली फिर मैं इसको 3 फेज सिस्टम में भी यूज़ करूँगा। इन तीनों में अगर आपको आई मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो करवाना है, ये ट्रांसमिशन लाइन है, एक गो कंडक्टर का काम कर रहा है और दूसरा रिटर्न कंडक्टर का काम कर रहा है। तो इस ट्रांसमिशन लाइन में जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है, अगर मैं किरचॉफ करंट लॉ लगाऊं, तो ये आता है 3I करंट। तो 3I करंट फ्लो हो रहा है गो कंडक्टर से, 3I करंट फ्लो हो रहा है रिटर्न कंडक्टर से। सपोज अगर इस ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ अगर मैंने यहाँ पर L मान ली है, और L लेंथ की ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर का रेजिस्टेंस आपने यहाँ पर स्मॉल R मान लिया है, तो टोटल ट्रांसमिशन के अंदर कितना पावर लॉसेज होगा, ये निकलेगा करंट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस, 3I स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस। सिमिलरली रिटर्न कंडक्टर के अंदर भी 3I स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस, तो टोटल आ जाता है ये 18I स्क्वायर R। इसमें 18I स्क्वायर R का पावर लॉसेज होगा। जब हम 3 फेज सिस्टम की तरफ जाएंगे, तो हम देखेंगे कि उस सिस्टम के अंदर ये लॉसेज इसका जस्ट हाफ होता है, वहां पर खाली 9I स्क्वायर R का पावर लॉसेज होगा। जब आप वोल्टेज ड्रॉप की बात करते हैं, तो करंट मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस गो कंडक्टर के अंदर, करंट मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस रिटर्न कंडक्टर के अंदर, तो टोटल 6IR का यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा। बहुत से स्टूडेंट को लगता है कि जब आप सिंगल फेज पावर को ट्रांसमिट करेंगे, तो
तो उसकी ट्रांसमिशन कॉस्ट कम होगी, यानी कंडक्टर की कॉस्ट वहाँ पर कम होगी। बट ऐसा नहीं होता, यहाँ पर कंडक्टर की कॉस्ट हाई होती है। नो डाउट आप खाली दो कंडक्टर को यूज़ कर रहे हैं, बट ओवरऑल कंडक्टर का वॉल्यूम यहाँ पर हाई होगा। कंडक्टर का वॉल्यूम निकालने के लिए, अगर कोई कंडक्टर है, वायर है, उसका वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं? लेंथ को आप मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस सेक्शन एरिया से। और हमें पता है कि कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया इसमें फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है तो आपको मोटा वायर यूज़ करना पड़ेगा, कम करंट फ्लो हो रहा है तो आपको पतला वायर यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन में 3I मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो हो रहा है, तो मैंने यहाँ पर मान लिया कि 3I मैग्नीट्यूड के करंट के लिए आप जो कंडक्टर यूज़ करोगे उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 3 × A है। अगर मैं यहाँ पर वॉल्यूम निकालूँ, क्रॉस सेक्शन एरिया 3A मल्टीप्लाई बाई लेंथ, ये वॉल्यूम हो गया गो कंडक्टर का। सिमिलरली ये वॉल्यूम हो जाएगा इटन कंडक्टर का। तो टोटल आपको 6A × L वॉल्यूम का कंडक्टर आपको चाहिए होगा। ये तीन रेजिस्टिव नेचर के लोड को I मैग्नीट्यूड का करंट प्रोवाइड करने के लिए। अगेन हम जब देखेंगे थ्री फेज सिस्टम के अंदर, थ्री फेज सिस्टम के लिए जो वॉल्यूम मटेरियल होगा वो इसका जनरली हाफ होता है। नेक्स्ट जो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि जो सिंगल फेज की पावर है, इंस्टेंटेनियस पावर, यानी किसी भी इंस्टेंट के ऊपर अगर आप पावर निकालें, ये कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड का नहीं होता। इंस्टेंटेनियस पावर आप निकालते हैं इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई करके। अगर आपने यहाँ पर मान लिया कि वोल्टेज और करंट के बीच में 5 फेज एंगल एग्जिस्ट करता है, तो ये इंस्टेंटेनियस पावर आ गई। अब आप देख रहे हैं ये पावर टाइम के ऊपर डिपेंड करती है, यानी टाइम के साथ साथ इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू यहाँ पर चेंज हो रही है। नो डाउट अगर आप इसकी एवरेज वैल्यू निकालें तो इसकी एवरेज वैल्यू VRMS IRMS cos phi आ रही है, बट इंस्टेंटेनियस वैल्यू इसकी टाइम के साथ में वेरी करती है। इसका मतलब है अगर टाइम के रेस्पेक्ट में अगर आप पावर के कर्व को ड्रॉ करें तो इस तरह का आता है, यानी इसकी वैल्यू टाइम के साथ में वैरी कर रही होती है, ये कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का पावर नहीं होता। इस तरह का पावर अगर आप किसी भी मोटर के अंदर दें तो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का टॉर्क नहीं बनाएगा, बल्कि वो पल्सेटिंग मैग्नीट्यूड का टॉर्क बनाता है। अब हम आते हैं टू फेज सिस्टम के अंदर, क्योंकि हमने देखा कि तो सिंगल फेज सिस्टम में बहुत सारे डिसएडवांटेज है। अब हम आते हैं कि टू फेज सिस्टम के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं। नो डाउट टू फेज सिस्टम सिंगल फेज सिस्टम के कंपेरिजन में स्लाइटली ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। यहाँ पर भी पावर लॉसेज और वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू थ्री फेज सिस्टम। देखिए ये टू फेज का सिस्टम, यानी दो फेज वायर आप यूज़ कर रहे हैं और दोनों फेज वायर में जो करंट फ्लो होता है इनके बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होने का मतलब अगर आप इनका फेजर सम करें तो ये कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि जीरो होने के लिए 180 डिग्री का फेज डिफरेंस चाहिए होगा। तो अगर इन करंट का फेजर सम जीरो नहीं है तो आपको एक और कंडक्टर यूज करना पड़ेगा जो रिटर्न करंट का पाथ डिसाइड करे, यानी एक न्यूट्रल का वायर अब भी आपको यूज करना पड़ेगा। तो एक एक्स्ट्रा न्यूट्रल वायर यूज़ करने से क्या हो रहा है, इस एक्स्ट्रा न्यूट्रल वायर के अंदर एक्स्ट्रा पावर लॉसेज हो रहे हैं, एक्स्ट्रा वोल्टेज ड्रॉप भी हो रहा है, इसलिए इसके अंदर पावर लॉसेज और वोल्टेज ड्रॉप थ्री फेज से ज़्यादा होते हैं। नो डाउट टू फेज सिस्टम आपका मल्टी फेज सिस्टम है, और हमें पता है कि किसी भी मल्टी फेज सिस्टम के अंदर अगर हम लोग मल्टी फेज करंट को फ्लो करवाएंगे मल्टी फेज वाइंडिंग में तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इसका मतलब जो टू फेज की मोटर अगर आप बनाएंगे तो वो सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होगी। ये एडवांटेज है। एक और इसका एडवांटेज है कि इंस्टेंटेनियस टू फेज पावर ये कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की होती है। जैसे मैंने यहाँ पर मैथमेटिकली प्रूव किया है, अगर आप टोटल पावर निकालें तो ए फेज की पावर प्लस बी फेज की पावर। पावर निकालने के लिए आप वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए फेज की पावर हो गई, ये बी फेज की पावर हो गई। नो डाउट ए फेज का वोल्टेज और बी फेज के वोल्टेज और ए फेज का करंट और बी फेज के करंट में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो ये आता है VmIm cos φ, इसको हम लोग 2 VI cos φ भी लिख सकते हैं, 2 RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज, RMS वैल्यू ऑफ करंट × φ। इस इक्वेशन के अंदर कहीं पर भी आपको टाइम नहीं नजर आ रहा, इसका मतलब ये कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड का है। अगर आप विथ रेस्पेक्ट टू टाइम पावर को ड्रॉ करें
तो ये कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का पावर है। इस तरह की पावर अगर आप किसी भी मोटर में देंगे तो ये कांस्टेंट टॉर्क को डेवलप करती है। ये टू फेज सिस्टम के अंदर बहुत सारे एडवांटेज हैं, बट डिसएडवांटेज मेनली है कि इसके अंदर ज़्यादा पावर लॉसेज और ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब हम आते हैं थ्री फेज सिस्टम के अंदर। थ्री फेज सिस्टम स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। सेम पावर ट्रांसमिशन के लिए यहाँ पर सबसे कम पावर लॉसेस आपको देखने को मिलता है। ये कैसे होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। वही हम थ्री रेजिस्टिव नेचर के लोड को लेके चल रहे हैं। थ्री फेज सिस्टम के अंदर इन लोड को या तो आप स्टार में लगा सकते हैं या फिर आप इसको डेल्टा में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको स्टार में कनेक्ट किया हुआ है। सपोज तीनों रेजिस्टेंस के अंदर आपको आई मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो करवाना है, तो यहाँ पर आपको पता है कि एक थ्री फेज का जो बैलेंस सिस्टम होता है उसमें तीनों करंट का जो वेक्टर सम है वो जीरो होगा। इसका मतलब आपको कोई भी न्यूट्रल कंडक्टर नहीं चाहिए होता है एट द ट्रांसमिशन टाइम। ठीक है, तो ट्रांसमिशन के अंदर आपको कोई भी न्यूट्रल कंडक्टर नहीं चाहिए, तीनों के तीनों खाली फेज कंडक्टर आपको चाहिए। और तीनों के अंदर जो करंट फ्लो रहा है वो आई मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो रहा है। तीनों ट्रांसमिशन लाइन में जो करंट फ्लो रहा है वो आई मैग्नीट्यूड का है। अगेन जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर करंट खाली आई करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होता है, क्योंकि आप देखिए जो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो करंट के प्रोपोर्शनल होगा। सिंगल फेज के अंदर थ्री आई करंट फ्लो हो रहा था, लेकिन यहाँ पर करंट की वैल्यू खाली आई हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर आपको पतला वायर यूज़ करना पड़ेगा। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो सिंगल फेज के कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन के एरिया का 1/3 टाइम होगा। और जो रेजिस्टेंस जो क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर आप पतला वायर यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस हाई होगा। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया 1/3 है तो रेजिस्टेंस 3 टाइम हो जाएगा। तो इन तीनों का ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस 3R हो जाएगा। अगर आप पावर लॉसेज निकालें, करंट के स्क्वायर को आप रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करें, तो ये 9I²R आ रहा है, जबकि सिंगल फेज के अंदर ये 18I²R था। यानी यहाँ पर जो पावर लॉसेज हो रहे हैं वो सिंगल फेज के पावर लॉसेज का एग्जैक्टली हाफ है। क्लियर है? अगर आप वोल्टेज ड्रॉप की बात करें एक फेज के अंदर, तो करंट को आप रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3I×R हो जाता है। अगेन थ्री फेज सिस्टम क्योंकि मल्टी फेज सिस्टम है, मल्टी फेज वाइंडिंग में जब आप मल्टी फेज करंट को फ्लो करवाते हैं तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इसलिए थ्री फेज की जो मोटर होती है वो आपका सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होती है, उसके लिए आपको अलग से कोई भी मैकेनिज्म करने की ज़रूरत नहीं है। एक और एडवांटेज है कि जो थ्री फेज की इंस्टेंटेनियस पावर है ये कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की होती है। किसी भी टाइम पर अगर मैं थ्री फेज की पावर निकालूं तो ए फेज की पावर, बी फेज की पावर और सी फेज की पावर का सम होगी। ए फेज की पावर, बी फेज की पावर और सी फेज की पावर, आपने इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई किया है। ए बी और सी के अंदर 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा वोल्टेज के अंदर करंट के अंदर। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आता है 3VI cos5। इस टर्म के अंदर भी कहीं पर भी टाइम नहीं आ रहा है। इसका मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में अगर आप पावर देखेंगे तो ये कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की पावर है। तो थ्री फेज की इंस्टेंटेनियस पावर भी कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की है। इसका मतलब ये कांस्टेंट टॉर्क को ही डेवलप करेगी। क्लियर है? एक और एडवांटेज है कि सेम अमाउंट की पावर को अगर हमें ट्रांसमिट करना पड़े तो थ्री फेज का सिस्टम सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल पड़ता है। यहाँ पर जो हम लोग कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं उसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा कम है। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि थ्री फेज कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है आई करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो खाली ए होगा, जो सिंगल फेज का 1/3 है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर मैं लेंथ से मल्टीप्लाई करूं तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। ए फेज के कंडक्टर का वॉल्यूम, बी फेज के कंडक्टर का वॉल्यूम और सी फेज के कंडक्टर का वॉल्यूम, तो ये हो गया 3A×L। यानी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि थ्री फेज के पावर को ट्रांसमिट करने के लिए बिल्कुल आपको हाफ वॉल्यूम का कंडक्टर यूज़ करना पड़ रहा है एज कम्पेयर टू सिंगल फेज पावर। एक और एडवांटेज होता है, ये हमें पता है जब हम लोग मशीन को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि सिंगल फेज की पावर को जनरेट करना ज़्यादा कॉस्टली होता है एज कम्पेयर टू थ्री फेज की पावर को जनरेट करने के लिए।
तो फाइनली इसको मैंने एक टेबुलर फॉर्म के अंदर बनाया है। ये चीज़ हमें चाहिए होती है किसी भी सिस्टम के लिए। तो हम देख रहे हैं कि सिंगल फेज सिस्टम के लिए ना तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, ना ये RMA बना रहा है, ना इसका इंस्टेंटेनियस पावर कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड का है, ये एफिशिएंट भी नहीं है, इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप भी लो नहीं होता, इसलिए हम लोग सिंगल फेज सिस्टम को नहीं यूज़ करते हैं। टू फेज सिस्टम में कुछ एडवांटेज हैं कि ये RMA बनाता है, इसका इंस्टेंटेनियस पावर कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड का होता है, लेकिन ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, एफिशिएंट नहीं है, वोल्टेज ड्रॉप भी यहाँ पर लो नहीं होता, इसलिए हम इसको ये भी नहीं यूज़ करते हैं। थ्री फेज सिस्टम में जाएंगे तो सब की सब क्वालिटी आपको यहाँ पर मिल रही है, बट नॉट ओनली इन थ्री फेज सिस्टम। अगर आप किसी भी इससे हायर ऑर्डर के सिस्टम पे जाएं, फोर फेज सिस्टम, फाइव फेज सिस्टम, सिक्स फेज सिस्टम, तो उसमें भी आपको ये सभी क्वालिटी देखने को मिलती है। जब बाकी के मल्टी फेज सिस्टम में भी सभी क्वालिटी आपको देखने को मिल रही है, तो हम लोग थ्री फेज सिस्टम को ही क्यों अडॉप्ट करते हैं? उसका रीज़न है कि बाकी के मल्टी फेज सिस्टम के कंपैरिजन में थ्री फेज का सिस्टम सबसे सिंपल सिस्टम है। दैट इज़ वाई वर्ल्ड वाइड हम लोग जनरेशन के अंदर और ट्रांसमिशन के अंदर थ्री फेज सिस्टम को ही यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको ये क्लियर हो गया होगा एकदम कि हम लोग जनरेशन और ट्रांसमिशन के अंदर वर्ल्ड वाइड थ्री फेज सिस्टम को ही क्यों यूज़ करते हैं। इसी तरह के बहुत सारे इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।